आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कहते हैं साली आधी घरवाली होती है, लेकिन क्या हो जब पति अपनी पत्नी को कमरे में बंद करके और साली के साथ ही फरार हो जाए। ऐसा ही कुछ बिहार के एक जिले में देखने को मिला है, जहां पुलिस वाला का दामाद ही खुद इतना बड़ा कांड कर देता है, अपनी बीवी को अपनी पत्नी को घर में बंद कर देता है और फिर साली के साथ फरार हो जाता है। पूरा मामला ऐसा है कि आप भी सुनकर हैरान हो जाइएगा। बिहार के बांका जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पुलिसवाला दामाद अपनी ही साली को लेकर फरार हो गया। दामाद पर आरोप है कि वो अपनी साली से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। यह घटना रजौन प्रखंड के एक गांव की है। मामला प्रकाश में आने के बाद गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है। परिजनों ने इस बात की शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि 2018 में उनकी बड़ी बेटी की शादी आरोपी से कोर्ट में हुई थी। आरोपी बिहार पुलिस में काम करता है। शादी के बाद से ही दामाद उनकी छोटी बेटी पर गलत नजर रखता था, जबरदस्ती शादी का दबाव भी बना रहा था। जब घर वालों ने इसका विरोध किया तो उसने 11 जुलाई को अपनी पत्नी को छोड़कर छोटी साली के साथ भाग गया। पीड़ित पिता ने यह भी आरोप लगाया कि उनका दामाद हथियार लेकर उनके घर आया था और अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर धमकी दी कि अगर उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी उससे नहीं करवाई तो वो सबको जान से मार देगा। घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में है। रजौन थाने के प्रभारी ऋषिराज ने बताया कि पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आवेदन के अनुसार पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। तो देखिए, ये पुलिस वाला इतना बड़ा कांडकारी बन जाता है, इतना बड़ा कांडी होता है कि वो अपनी पत्नी को ही एक कमरे में बंद कर देता है और फिर साली के साथ फरार हो जाता है। शादी के वक्त से ही इसे अपनी साली पर नजर है। अब पूरे पीड़ित परिवार जो है वो पुलिस में उन्होंने शिकायत दर्ज की है। पुलिस इस पूरे मामले पर जो दामाद है, जो पुलिस वाला है, उसे ढूंढ रही है ताकि उसकी पत्नी की बहन यानी साली को बचाया जा सके। इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट सामने आएगा उसके साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे जा सकते